शास्त्री चौक के हो रहे सुंदरीकरण कार्य और बरसात के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले जल जमाव स्थल का नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने शास्त्री चौराहे पर बन रहे फौहारे डिवाइडर और लोगों के बैठने के लिए निर्माणाधीन सीट की प्रगति की भी जानकारी ली और कार्य को 3 माह के अंदर पूरा कराने का निर्देश भी दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया, साथ साथ जो है कलेक्ट्रेट के सामने, कलेक्ट्रेट में यहाँ बरसात के मौसम में पानी का जमा हो जाता है, तो उसी से सीवर के कनेक्शन और नालियों को बनाने के संबंध में हम लोग देख रहे थे। जिलाधिकारी महोदय भी चाहते हैं कि कलेक्ट्रेट के चारों तरफ एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बरसात में पानी का जमाव ना हो और साथ ही साथ सामान्य दिनों में भी जो पानी नालियों में दिख रहा है वो जमने ना पाए, तो उसी के संबंध में मैं देख रहा था चारों तरफ है। तो वही उसके लिए सीवर वगैरह जो चौक है उसको खुलवाने की व्यवस्था हो रही है, साथ ही साथ सौंदर्यीकरण का कार्य जो है इसको तेजी से पूर्ण किया जाए ताकि जो है 3 महीने का जो हमारा टारगेट है उस अवधि में पूर्ण हो।